दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का एसपी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का लेक्चर नंबर 3 आप लोग के लिए लिखे आ गए। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। मैंने ऑलरेडी दो लेक्चर अपलोड कर दिया दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना पर्टिकुलर इसी चैप्टर का। देखिए मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये एक वेब सीरीज के तरह है। अगर आप इसका एक भी पार्ट मिस आउट करेंगे तो आप आगे क्या पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए दोस्तों मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले सारे वीडियो देखते आइए। अभी आप लोग में से बहुत लोग कमेंट करेंगे हाँ तुम तो अपना व्यू बढ़ाना चाहते हो, भाई देखना होगा देखना, नहीं तो मत देखना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके अब आइए हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा बहुत आप लोग को वीडियो में आजू बाजू की नॉइज सुनाई देगी, प्लीज़ उसको को कैंसिलेशन करते जाइए। आइए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिया है, हम फ्लो चार्ट ना पढ़ के यहाँ पे दोस्तों इधर का जो टॉपिक दिया है यहाँ पे उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो आइए हम लोग इसको खुद समझ लेते हैं क्या दिया। ओके आइए पॉइंट ए, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। देखिए इनकॉर्पोरेशन मतलब भी कंपनी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। आप लोग ऐसा इनकॉर्पोरेशन कंपनी आप लोग साउथ फिल्म के पिक्चर में बहुत बार सुने होंगे। ओके सबसे पहला क्या है, सैचुरेट कंपनी, तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। दिस कंपनीज आर इनकॉर्पोरेट बाय स्पेशल एक्ट पासड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंटिल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। देखिए सैचुरेट कंपनी जो होती है दोस्तों हमारे देश में जो दोस्तों संसद भवन जिसको हम इंग्लिश में सॉरी हिंदी में कहते हैं संसद भवन, और जो हर राज्य में राज्यसभा होती है उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव। दोस्तों अगर दोस्तों वहाँ से 2/3 के रेशियो में अगर कोई सी भी चीज़ को हम पारित करवा लेते हैं तो उसको सैचुरेट कंपनी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग से देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसको हम लोग दोस्तों ये बोलते हैं, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग SBI बोलते हैं, फिर हम लोग दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का जो मतलब LIC का जो हम लोग जो आप लोग LIC का नाम सुने होंगे, LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। हम लोग बोलते हैं कि LIC क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। SBI क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। RBI क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सबको हम लोग सैचुरेट कंपनी कहते हैं। देखिए दोस्तों ये सबको भले ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, लेकिन अभी सपोज आप लोग समझ लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ भी डिसीजन हार्ड डिसीजन लेना है तो उसको सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ले सकती है। SBI बैंक चाहे तो SBI बैंक सोचे कि अगर मुझे अपने कस्टमर को इतना रुपए चार्ज करना है तो गवर्नमेंट से पूछ के नहीं करेगी, उसके जो डायरेक्टर रहेंगे खुद कर देंगे। तो मतलब इसमें दिखा रहा है कि इसमें सिर्फ ये गवर्नमेंट के द्वारा चलेगी, लेकिन जितने भी डिसीजन रहेंगे इनके डायरेक्टर लेंगे। ओके फिर पॉइंट 2 क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी। आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि जो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा। दिस कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये सब कंपनियाँ दोस्तों 2018 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आप लोग को एक वर्ड लिखा है प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब समझे इस 2013 से कंपनी एक्ट के पहले भी एक एक्ट था। आप लोग को मालूम हो या नहीं हो, अगर मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था सबसे पहला कंपनी एक्ट लाया गया हुआ था 1956 में, उसके बाद 2013 में आया। तो दोस्तों उस कंपनी का प्रीवियस में रजिस्ट्रेशन हो या तो इसमें हो उसको मान्यता दी जाएगी। ओके आप लोग का ये दो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम क्लियर कर देंगे। पॉइंट बी क्या दिया, ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ मेंबर। इसमें क्या दिया, नंबर ऑफ मेंबर, कितने नंबर मतलब कितने मेंबर रहेंगे हर कंपनी में। देखिए सबसे पहले बात की गई है प्राइवेट कंपनी अभी तो अगर दोस्तों आप लोग को प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर है अगर आप वो जानना चाहते हो तो आपको दोस्तों कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग पास वो बुक तो अभी होगी नहीं, तो जानने दीजिए हम लोग इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा जोक सा पार्ट। ओके अब बाद में इसमें लेते हैं, प्राइवेट कंपनी मीन्स हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल हैज माई बी प्रिसिक्रेम एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। देखिए प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है कि कम से कम वो कैपिटल को पेड करें, मतलब
प्राइवेट कंपनी का मतलब ये होता है कि मतलब कम से कम पैसा दूसरा कोई उसमें लगा दे, इतना समझ में आया। ये भी इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 23 जो आप लोग का फर्स्ट क्या दिया है, रिस्ट्रिक्टेड द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इफ शेयर इफ एनी। आप किसी को इजिली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोग को कल के ही लेक्चर में बताया था, ये सब चीज आप लोग को पता होना चाहिए। फिर क्या दिया, रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200, मतलब 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मे भी आप लोग को ये कल के दिन बताया था, आप लोग को मालूम होगा। पॉइंट थर्ड क्या दिया, प्रोवाइड्स एनी इनविटेंस टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। दोस्तों प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसा मांगना नहीं है, वो खुद की अपनी पैसा लगाए या तो बैंक से लोन लें, लेकिन ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी मतलब कॉमन पीपल को फोर्स करे कि आप पैसा लगाओ। ओके, फिर इसमें क्या है, क्या हो जाते हैं, ऑल द अबव साइड कंडीशन सोल्ड बी फुलफिल फॉर अ कंपनी टू बी कॉल्ड हैज क्या प्राइवेट कंपनी। अगर ये तीनों कंडीशन को अगर कोई फुलफिल करता है तो उसी को हम लोग प्राइवेट कंपनी कहते हैं। फिर इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय द कंपनी इट शॉल बी कंसिडर हैज अ पब्लिक कंपनी। अगर ये तीनों कंडीशन में से दोस्तों एक भी कंडीशन अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो उसको हम कौन सी कंपनी कहेंगे, पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी दोस्तों, पब्लिक कंपनी हम लोग कहेंगे। उसके बाद क्या, इट मस्ट ऐड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। अ प्राइवेट कंपनी माय बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अ कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। देखिए आप लोग मार्केट में घूमते होंगे, आप लोग किसी भी प्राइवेट कंपनी के सामने अगर आपको जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों एक चीज आप लोग को लिखा मिलेगा, क्या, PVL मतलब प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ने नियम बना के रखा है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखवाना ही पड़ेगा। समझ में आया, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला ही है। पॉइंट सेकंड क्या, पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज अ नॉट प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी। उसी का दोस्तों उल्टा, जो पब्लिक कंपनी उसे हम प्राइवेट कंपनी नहीं कहते हैं, वो एक पब्लिक कंपनी होती है। अभी इसके हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, मतलब आप इसमें किसी को भी इजिली अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि मैं आप लोग को कल के दिन ही बता दिया था। पॉइंट सेकंड क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 7, मतलब कम से कम इसमें 7 लोग रहने चाहिए, जो कि हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके थे। आप लोग देखो हमने बहुत सारे चीज़ कल ही डिस्कस किया है दोस्तों, तो आप लोग कल का लेक्चर जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पॉइंट थर्ड क्या है, हैज़ टू हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कैपिटल हैज माय प्रिस्क्रिप्ट बाय इट्स आर्टिकल। आप लोग दोस्तों उसमें कम से कम पैसा पे करते हो ऐसा रहता है। देखिए क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि इस पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा है, तो गवर्नमेंट भी आपसे कभी कंपनी डूबेगी तो आपका पैसा आपको मतलब लौटाने की कोशिश करती है। पॉइंट फोर्थ का दिया है, डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्विटेशन और एब्सेंसेस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये दोस्तों पब्लिक कंपनी किसी को भी मतलब ऐसा इन्विटेशन कार्ड नहीं दे सकती कि आप भाई हमारे कंपनी में आओ, हाँ आप हमारी कंपनी में आओ अपना पैसा लगाओ डिपॉजिट करो, ऐसा ये नहीं कर सकती। ओके दोस्तों, फिर पॉइंट थर्ड कह दिया, 1% कंपनी। देखो ये 1% कंपनी क्या होता है, मैं कल के दिन ही आपको डिस्कस कर दिया हूँ, सॉरी कल के दिन क्या, मैं आप लोग को परसों के दिन ही डिस्कस कर दिया था कि 1% कंपनी क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। देखिए आपको नाम से समझ में आना चाहिए, 1% कंपनी मतलब किसी एक व्यक्ति की कंपनी है। आप लोग को अगर याद हो, अगर आप मेरा वीडियो देखे हो, तो किसी का भी वीडियो देखे हो, तो हम लोग परसों के दिन एक चीज़ पढ़े थे, इवोल्यूशन ऑफ कंपनी में हम लोग एक टाइप पढ़े थे। सबसे पहला टाइप था सोल ट्रेडिंग कंपनी, मतलब खुद की कंपनी। तो 1% कंपनी भी कुछ वैसा ही इसमें भी कंडीशन है। तो आइए इसके हम लोग कुछ इसके हेडलाइन पढ़ लेते हैं। ये सब तो आप लोग को ऑलरेडी हमने परसों के दिन ही एक्सप्लेन करके रखा है, फिर भी आइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 1% कंपनी इज ए कंपनी विच हैज ओनली 1% ऑफ मेंबर। देखिए 1% कंपनी का डेफिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, जितने भी सेक्शन आ रहे हैं दोस्तों उनको ध्यान से एकदम अपने माइंड में बैठाते जाइए। आप एक सेक्शन के लिए नोटबुक खरीद लीजिए, मतलब बहुत महंगी बुक मत खरीदिए, 25 से 30 रुपये की बुक खरीदिए। उसमें दोस्तों आप चैप्टर का नाम लिखिए, उसमें सेक्शन लिखिए कि ये सेक्शन इसके लिए, उससे क्या रहेगा कि रहेगा कि आपको याद भी रहेगा, रिवाइज भी कर लोगे, और दोस्तों अगर आप उसको एग्ज़ाम में लिख के आओगे ना तो दोस्तों उस चीज़ से इम्प्रेशन बहुत अच्छा बैठता है। समझ में आया, फिर देते हैं।
इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट इज टू फुलफिल एंड कम्प्लाई विद ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द एक्ट और रूल। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, अगर 1% कंपनी है तो भी एक प्राइवेट कंपनी है। फिर क्या है, द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द कंपनी एक्ट 2013। इट इज ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर हु हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट हिज कैपिटल इन द कंपनी। देखिए 1% कंपनी का कंपनी एक्ट 2013 में भी ये लिखा गया हुआ कि वो एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो कि वो पूरे अपनी कंपनी को हैंडल करता है और दोस्तों उसको लाइबिलिटी भी कम से कम उठानी पड़ती है। ओके, और दोस्तों उसमें जितना भी वो इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट कमाएगा सब उसी का रहेगा, लॉस भी हो तो उसी का रहेगा। फिर कह दिया 1% कंपनी कैन हैव ऑन और मोर डायरेक्शन, देयर इज नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरली मीटिंग। और दोस्तों कंपनी जो 1% कंपनी रहता है उसके पास बहुत सारे डायरेक्टर रहते हैं क्योंकि वो खुद ही एक डायरेक्टर होता है, इसके लिए उसको हर साल कोई भी एनुअल मीटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दोस्तों हम लोग पॉइंट सी देख लेते हैं। पॉइंट सी में क्या दिया, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर, मतलब कि कौन से मेंबर को कितना लाइबिलिटी उठाना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब जो कंपनी में शेयर अपना खरीदा है। सब आगे देखते हैं क्या लिखा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 दिस टाइप्स ऑफ कंपनी है बस शेयर कैपिटल एंड द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज बाय मेंबर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ द कंपनी और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप अ मेंबर कैन बी कॉल्ड ओपन टू पे द अनपेड रिमेनिंग अमाउंट ऑन द शेयर परचेज बाय हिम हर। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स माई बी अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ कंपनी। देखिए दोस्तों हम लोग ने आप लोग को परसों के दिन ही ये बता दिया था कि ये चीज़ क्या होती है। हम लोग आप परसों का जब फर्स्ट लेक्चर किए तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था। आओ एक बार मैं आप लोग को क्यूक रिवाइज दिला देता हूँ। अगर आप लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। फिर भी आइए कोई बात नहीं, हम यहाँ भी एक्सप्लेन करते हैं। अब सपोज समझिए दोस्तों एक रिलायंस कंपनी है, तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझना, कोई इसको मतलब सीरियसली मत ले लेना। रिलायंस कंपनी ने अपना मतलब एक शेयर निकाला 1000 रुपये का, 1000 रुपये उसने एक शेयर निकाला। अभी दोस्तों आप गए शेयर खरीदने, आप बोले भैया रिलायंस भैया मेरे पास 500 रुपया, तुम ले लो 500 रुपया। दोस्तों 500 रुपया मैं आपको बाद में पेड कर दूंगा। हमारे जो रिलायंस थी कंपनी वो बोली ठीक है तो 500 भाई जमा कर दे, 500 बाद में भर देना, ठीक है। आपका एग्रीमेंट हो गया। आप दोस्तों 500 रुपया भर नहीं पाए। आप दोस्तों 500 रुपया, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बचा हुआ 500 रुपया भर नहीं पाए तब तक कंपनी क्या हो गई, वाइंडिंग अप होने के पोजीशन पे पहुंच गई। मतलब कंपनी का दिवालिया होने के करार पे कंपनी खड़ी थी कि मतलब अब कंपनी बिक जाएगी। तब दोस्तों वो कंपनी आपके पास आएगी, आपको बोलेगी कि भैया जो तुम 500 रुपया जो तुम मुझे वादा करके रखे थे कि मैं तुम्हें दूंगा, अब समय आ गया अब तुम दो। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि अगर आपके एग्रीमेंट हो गया कि भाई मैं 1000 रुपये का शेयर खरीद रहा हूँ, 500 रुपये मैं जमा किया, 500 बाद में करूँगा, तो कंपनी कितने भी घाटे में क्यों नहीं चली जाए, आपको 500 रुपये ही देना है। ये एग्जांपल मैं आप लोग को परसों के लेक्चर में भी था बताया, उसमें फ़र्क इतना था कि मैंने उसमें 10 रुपये का एग्जाम्पल था लिया, इसमें 1000 का लिया हूं। बस आइए सेकंड हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कंपनी की जो लिमिटेड है उसकी गारंटी कौन लेगा। तो इसमें हम लोग पढ़ते को देखते हैं एक मिनट। हाँ इसका कुछ पार्ट दोस्तों पीछे भी है, देखते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज माई और माई नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, ईच मेंबर प्रॉमिस टू पे है फिक्स्ड सम ऑफ मनी स्पेसिफिक इन द मेमोरेंडम इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेबिट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। देखिए एक एग्रीमेंट दोस्तों कंपनी में होता है MOA, ये क्या होता है मैं आप लोग को कल के वीडियो में बताया था, उसको उसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है MOA का होता है दोस्तों मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन। और एक एग्रीमेंट होता है AOA, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं एसिकेस ऑफ एसोसिएशन। ओके अभी वो आगे भी आएगा, हम उसको आगे भी रिवाइज मान लेंगे। अगर दोस्तों MOA एग्रीमेंट में आपने लिखा है कि अगर भाई ये कंपनी अगर दिवालिया होने करार पे पहुंचेगी कि अगर वाइंडिंग अप होने के किनारे पे पहुंचेगी तो मैं इस कंपनी को 1,00,000 रुपये दूंगा, अगर उस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो आपको 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। बस सिंपल मतलब होता है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे,
इसमें क्या दोस्तों दिया है, इसने भी थोड़ा हम लोग रीड कर लेते हैं, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे भी है रिमेनिंग। जनरली सच कंपनीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बिकॉज दे आर फॉर्मेड फॉर द पर्पज ऑफ परमिशन ऑफ आर्ट साइंस कल्चर चैरिटी स्पोर्ट्स और सम अदर सिमिलर पर्पज। जो मैं आपको पीछे बताया वही है, मतलब इसमें बोला कि कंपनी जो होती है वो अपना प्रॉफिट के लिए बार बार नहीं मरती, ये सब चीज़ के लिए भी काम करना चाहिए। ओके, पॉइंट थर्ड क्या दिया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब कंपनी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी उठाना पड़ेगा। तो आइए इसका पढ़ते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 92, याद रखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 92, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इस टर्म हैज अनलिमिटेड कंपनी। हाँ, अनलिमिटेड कंपनी, द मेंबर्स आर फुली लेबल टू कवर द डेबिट्स ऑफ द कंपनी। द अनलिमिटेड कंपनी कैन बी एदर अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी और अ वन पर्सन प्राइवेट कंपनी। देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो 1% प्राइवेट कंपनी हो, उसके ऊपर जितना भी लाइबिलिटी होगा उस कंपनी को उठाना है, ना कि उस मेंबर को उठाना है। आपकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। फिर पॉइंट डी क्या दिया, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कौन किसको कंट्रोल करता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लो। क्या लिखो, IMP, ये आपके एग्जाम में ये दोनों पॉइंट पूछे जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको हम लोग दोस्तों आइए समझ लेते हैं। होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 46, फिर सुनो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42, अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी और हैज पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और अ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अनदर कंपनी। आप लोग के ऊपर से निकल गया होगा, आप बोलोगे अबे तू पागल क्या पढ़ा रे, 1/2 मेजोरिटी सब क्या है, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल एग्जांपल, दोस्तों फिर बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ और मतलब मत समझना। जैसे कि दोस्तों देखिए मोबाइल, आपके हर मोबाइल में आज सिम कार्ड लगा हुआ है, तो दोस्तों आप लोग भी अगर देखो तो इंटरनेट से देख रहे हो, इंटरनेट कहाँ से आया, चाहे आपके मोबाइल में रिलायंस का सिम कार्ड हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन आइडिया किसी का भी हो, वैसे तो मेनली रिलायंस और एयरटेल का इस मेजोरिटी मोबाइल में पाया जाता है। अभी मान लो दोस्तों एक रिलायंस कंपनी है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ये रिलायंस कंपनी है, एक मिनट आप लोग को दिखने नहीं रहा होगा, ये रिलायंस कंपनी है, ये एयरटेल कंपनी है। ओके दोस्तों, ये जो रिलायंस कंपनी है दोस्तों, अगर ये एयरटेल कंपनी का 51% शेयर खरीद ले, कितना दोस्तों 51% शेयर अगर ये एयरटेल कंपनी का रिलायंस कंपनी अगर खरीद ले दोस्तों, 51%, देखिए 50+ रहना चाहिए, मतलब 51 से भी रहे और उससे ज़्यादा भी कितना भी रहे, अगर 51% रिलायंस कंपनी खरीद ली तो रिलायंस कंपनी जो बोलेगी, मतलब एयरटेल कंपनी का जो डायरेक्टर रहेगा उसको रिलायंस कंपनी जो बोलेगी उसी के इशारे पे उसको नाचना पड़ेगा, उसी को कहते हैं होल्डिंग कंपनी। क्योंकि दोस्तों देखो नाम तो एयरटेल है, लेकिन दोस्तों एयरटेल कंपनी को होल्ड किसने कर लिया, रिलायंस कंपनी। आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, सब्सिडरी कंपनी क्या दिया, अ सब्सिडरी कंपनी इज जस्ट द अपोजिट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, इट इज़ अ कंपनी विच इज़ कंट्रोलेड बाय अ होल्डिंग कंपनी, सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी परचेज मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी और हैज पावर्स अपॉइंट ऑफ रिमूव और ऑल द मेजोरिटी डायरेक्टर्स। देखिए ये भी सेम इसी की तरह है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, खत्म हो गया। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, जो होल्ड कर रही हो मार्केट को, और सब्सिडरी कंपनी जो मैं आपको एग्जांपल समझाया ना, ये रिलायंस और एयरटेल वाला की, मतलब अगर इसका 51% शेयर खरीद ले तो एयरटेल कंपनी का जो डायरेक्टर रहेगा वो रिलायंस कंपनी के इशारे पे नाचेगा, उससे समझ में आया। तो दोस्तों ये वाला जो एग्जांपल था ये सब्सिडरी कंपनी का था, मैं आप लोग को बाई मिस्टेक ऊपर ही इसको समझा दिया, लेकिन ये सब्सिडरी एग्जांपल था। होल्डिंग कंपनी दोस्तों जो मतलब होल्ड करती है उसको कहते हैं। ओके, पॉइंट ई क्या है, अदर टाइप, दोस्तों प्लीज़ इसका समझ लेना, जो मैं आपको रिलायंस एयरटेल का एग्जांपल दिया वो सब्सिडरी कंपनी का है, इसका मतलब जो होल्ड कर रही है बस। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं अदर टाइप्स। फर्स्ट क्या, गवर्नमेंट कंपनी, मतलब जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इज विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अब शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय।
अगर दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी किसी भी कंपनी का 51% से ज़्यादा अपने पास रख ले तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द देखिए उसको कौन कौन रख सकता है ये देखते हैं। पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको दोस्तों केंद्र सरकार भी रख सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट उसको दोस्तों मतलब राज्य सरकार भी रख सकती है। पॉइंट थर्ड क्या दिया है, पाटिल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पाटिल बाय वन ऑफ द वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार भी रखे और कुछ राज्य सरकार भी रखे तो हो रह सकती है। सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, और दोस्तों जितनी सब्सिडरी कंपनी होती है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी रख सकती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप लोग ले सकते हो इसमें बैंक, आप लोग सरकारी बैंक में अगर जाओगे PNB बैंक के साथ, अभी कोई एक अभी दोस्तों ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन एक बैंक और मर्ज हो गई है, जैसे कि दोस्तों देखो आप देना बैंक, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब सरकारी बैंक थी, ये आपस में क्या हो गई कंबाइन हो गई, तो आप लोग इसको एग्जांपल ले सकते हो। फिर क्या दिया, गवर्नमेंट कंपनी माई बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी इट फेस इट इज मेनी कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। एग्जाम्पल हिंदू, देखिए इसका ये मतलब होता है कि 2013 के कंपनी एक्ट में सब रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ये भी दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा है। कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट का, मतलब इससे पहले प्राइवेट सेक्टर थी लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। फिर पॉइंट टू हम लोग देखते हैं क्या क्या दिखा, फॉरेन कंपनी, नाम से समझ में आ रहा है कि जो विदेश से कंपनी आएगी तो इसके बारे में कहाँ कहाँ पर लिखा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। ओके, फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो फॉरेन कंपनी है ये भले दोस्तों विदेशी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, लेकिन दोस्तों वो कंपनी चाहती है कि मुझे इंडिया में बिजनेस करना है, तो वो आएगी अपना इंडिया में फैक्ट्री लगाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए कौन कौन सी कंपनी है, तो आप देखो नेस्ले इंडिया लिमिटेड, अभी आप बोलोगे नेस्ले, यस दोस्तों आप लोग जो नेस्ले का मैगी खाते हो, कैडबरी खाते हो, ये सब भी विदेशी कंपनियाँ हैं। फिर देखिए बाटा, दोस्तों बाटा इंडियन लिमिटेड, अभी दोस्तों जो आप लोग चप्पल की दुकान पर जाओगे उसको आप लोग दोस्तों बोला मुझे बाटा का चप्पल दो, बाटा का सैंडल दो, बाटा का जूता दो, तो दोस्तों वो सब विदेशी कंपनियाँ हैं। हाँ, वायर लूप कॉरपोरेशन, ये भी विदेशी कंपनी है। ओके, समझ में, इतना एग्जांपल आप लोग के लिए काफ़ी है। फिर डॉर्मेंट कंपनी, मतलब अभी आप बोलोगे अच्छा भाई तू एक बात बता, तू पगला वगला गया है क्या, ये डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है, मैं बता रहा हूँ इसको हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं फिर बताता हूँ क्या दिया। इफ़ कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लास्ट 2 years और हैज़ नॉट फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इन द लास्ट 2 years आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन, US सबसेक्शन 455 कैन बी कॉल्ड अ डॉर्मेंट कंपनी। देखिए डॉर्मेंट कंपनी का मतलब ये होता है, अभी समझो आप ही हो, आप अपने आप को एग्जांपल समझो कि आप चाहते हो कि भाई अभी मैं गिरहानी में हूँ, मेरा एज कितना 17 या 18 साल आपकी एज होगी, इसके बीच में ही होगी, 16 साल तो किसी की नहीं होगी, बहुत कम लोग की होगी। अभी आप सोचो भाई मेरी ये 17 साल की है, मैं 2 साल में 12वीं पास कर लूँगा 18 साल में, उसके बाद भाई अपना तो भाई बड़ा बिजनेस खोलेगा, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, झुक के नहीं रहेगा, अपन पुष्पराज बनेगा। आप लोग ऐसा डायलॉग मारोगे आज ने बोलो कि आज के 2 साल बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना कंपनी खोलेंगे, तो देखो आपके माइंड में विचार आया क्या है, आपके आपके माइंड में विचार आया कि हम 2 साल बाद कंपनी खोलेंगे, तो आप सरकार को जाके बोलोगे ए सरकार सुनो हम 2 साल बाद अपनी बड़ी सी कंपनी खोलने वाले हैं। सरकार बोलेगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, डॉर्मेंट कंपनी में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। आप बोलोगे भैया ये क्या होता है, तो सरकार बोलती है, सरकार बोल रही है आपको कि हम डॉर्मेंट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं कि मतलब ये कंपनी खुलेगी लेकिन अभी नहीं, 2 साल बाद खुलेगी, मतलब इसका फ्यूचर प्लानिंग है। समझ में आया, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, रिप्लाई मिल जाएगा। फिर पॉइंट फोर्थ क्या है दोस्तों, देखते हैं लिस्टेड कंपनी, मतलब नाम से समझो कि कौन सी कंपनी लिस्ट में रहेगी। अब देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 52, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज
लिस्टेड और ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी माई बी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी द लिस्टेड कंपनी विल ऑल्सो हैव टू फॉलो SEBI गाइडलाइंस एंड द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। देखिए इसमें सिंपल यही लिखा है कि दोस्तों अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी स्टॉक को एक्सचेंज करती है, देखो स्टॉक क्या होता है, हमारे भारत में दो स्टॉक होते हैं, एक आप लोग को मालूम होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक इंटरनेशनल होता है, मतलब वो दिल्ली वली में कहीं होता है, मुझे एक ही है दोस्तों मालूम, लेकिन दो होते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज करने जा रहे हो, ठीक है, चाहे पब्लिक कंपनी रहो, चाहे आप दोस्तों लिस्टेड रहो या अनलिस्टेड रहो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखा है SEBI गाइडलाइंस, जो SEBI गाइडलाइंस में जो लिखा गया हुआ है, जो प्रोविज़न है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो पुलिस आएगी पकड़ेगी एकदम ले धमाधम अच्छे से धुलैया कर देगी। देखिए SEBI का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोस्तों सरकार के द्वारा है, इसका दोस्तों इस्टेब्लिशिंग इसलिए मतलब इसकी दोस्तों स्थापना इसलिए किया गया हुआ था कि मतलब उसमें जो इन्वेस्टर जो शेयर है उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको बचाव कर सके। आप लोग को ये भी मतलब क्लियर हो गया। देखो SEBI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों। ज़्यादा नहीं, अब सिर्फ तीन टॉपिक आपका, स्मॉल कंपनी, एफिलिएटेड कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, आप लोग का लेक्चर आज हो जाएगा दी एंड, और चैप्टर भी हो जाएगा दी एंड। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट फिफ्थ, स्मॉल कंपनी, ये दोस्तों बहुत IIMP है, ये बहुत साल के, ये हर कॉलेज में लगभग 60-70% कॉलेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक सर्वे के अकॉर्डिंग। देखते हैं, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। मैं देखो दोस्तों, जो स्मॉल कंपनी रहेगी सीधी सी बात है कि उसका पब्लिक कंपनी होगी। आगे देखते हैं, फर्स्ट पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट बाय बी प्रिंसिपल। दोस्तों आपको मतलब आप 50 लाख से ज़्यादा एक मंथ में, आप एक महीने, मतलब आप 50 लाख से ज़्यादा किसी से आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करवा सकते। और आगे बढ़ते क्या दिया, टर्नओवर ऑफ विच हैज़ पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ ऑफ सच हायर अमाउंट ऑफ हैज़ माई बी प्रिसिक्रे। देखिए आप एक साल में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा टर्नओवर नहीं कर सकते, ओके। प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी एंड कंपनी अदर कंपनी कैन बी स्मॉल। देखिए जो प्राइवेट कंपनी होती है दोस्तों उसमें 1% होता है और छोटी कंपनी होती है, तो दोस्तों छोटी कंपनी 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर कैसे करेगी। देखो आपके आजू बाजू में बहुत सारी फैब्रिकेशन की जो कंपनी होगी उसमें दोस्तों 8 वर्कर 10 वर्कर काम करते होंगे, तो अभी वो कंपनी क्या एक साल में 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेगी क्या, वो इम्पॉसिबल है यार, बहुत मतलब 100 में से एक ही लोग ऐसे मिलेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, 0.1%। फिर पॉइंट 6 क्या दिया, एस्ट्रोगेट कंपनी, आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। एस्ट्रोगेट कंपनी दोस्तों जो हमने अभी पहले पढ़ा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, उससे कुछ मिलता जुलता है, तो आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एन एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच अनदर कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल विच इज लेस देन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सेस ओवर अ सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन ऑफ टू अनदर कंपनी मीन्स ऑफ अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी फॉर द पर्पज फॉर द ऑफ दिस सिग्न ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल एट ऑफ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। देखिए एस्ट्रोकेट कंपनी क्या होती है, हमने दोस्तों अभी इसके पहले पढ़ा था, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया था रिलायंस कंपनी और एयरटेल कंपनी, अगर रिलायंस कंपनी एयरटेल कंपनी का 51% अगर शेयर खरीद लेती है तो जो एयरटेल कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा दोस्तों वो रिलायंस कंपनी के एक इशारे पर नाचेगा, ओके। लेकिन एस्ट्रोकेट कंपनी इसका उल्टा है, एसोसिएट कंपनी क्या क्या कहती है उसमें दोस्तों सब्सिडरी कंपनी में क्या था कि 51% आपके पास रहना चाहिए, लेकिन इसमें यह बोला गया हुआ कि अगर आपके पास कम से कम देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है एटलीस्ट 20%, अगर आपके पास कम से कम 20% भी है, 20% भी आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखे हो
तो मतलब अभी आप ये मत समझ लेना कि उसके ऊपर वो मतलब रूल करेगा सब्सिडियरी कंपनी, उसके लिए उसको 51% शेयर खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसमें बोला कि गया कि अगर आप कम से कम 20% अगर आपके पास शेयर है तो मतलब आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। एसोसिएट कंपनी का ओवरऑल आप मतलब ये समझिए कि इसमें कोई भी कंपनी एक दूसरे पे बोझ नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस कंपनी है एयरटेल कंपनी का 20% शेयर खरीद ली, तो दोस्तों जो एयरटेल कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिलायंस कंपनी का बात नहीं 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 सुनेगा। क्यों? उसको पता है कि भाई तू 20% शेयर खरीदा रहे, तेरी क्या औकात है। लेकिन जब उसका उल्टा पढ़ो, सब्सिडरी कंपनी पढ़ो, तो उसको अगर 51% अगर शेयर खरीद लिए तब दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट 7 क्या दिया है, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब कंपनी का प्रॉफिट नहीं होती। अभी आप बोलोगे, अभी तो आपको आपका गुस्सा सातवें आसमान पर रहेगा। अभी आप बोलोगे पागल क्या बे, कोई कोई कंपनी खोलेगा तो क्या प्रॉफिट के लिए नहीं? भाई आगे की भी तो लाइन पढ़ो यार, क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड, मतलब ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखो मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में सेक्रेटरी चैप्टर में एक चीज़ बताया था, NGO, जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब वो गवर्नमेंट के द्वारा संस्था नहीं चलाई जाती। अगर ऐसी कोई जो NGO काम करते हैं तो उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमें लोगों को सर्विस देना है, लोगों को सेवा करनी है, उसके बाद अगर समय बचा तो हमें पैसा कमाना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों देखिए आप लोग में से कुछ लोग बोलोगे भाई ये जो आप लोग का ये जो डिस्टिंक्शन पार्ट है आप क्यों नहीं पढ़ाते, भाई इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, इसमें यार सिर्फ कंपैरिजन किया जो कि हमने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका है। तो दोस्तों अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लेक्चर के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाके आप अपने कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट वहाँ आप क्लियर कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तब तक के लिए जय हिंद।